चौहान, टेक टीवी, पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर, टेक टीवी, पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। एहतशाम राणा, टेक टीवी, पाकिस्तान। वजीर आजम मुतल्लिक किया गया। लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच, टेक टीवी, पाकिस्तान। कौकब फारूकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान वकार हुसैन। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। तसल्ली रखें, अदम एतमाद नाकाम होगी। वज़ीर आज़म का कहना है कि पीछे नहीं हटूंगा। अपोजिशन रहनुमा कहते हैं कि सिंध हाउस में पुलिस गर्दी हुई तो नतायज के ज़िम्मेदार इमरान खान और शेख रशीद होंगे। वोट डालने से कबल किसी रुकन के ख़िलाफ़ कार्रवाई मुमकिन नहीं, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वाज़ेह कर दिया। जाने वाले वापस आ जाएं, सिंध में गवर्नर राज की समरी पेश कर दी है। वजीर दाखला का कहना है कि पाकिस्तान अपनी तारीख के अहम तरीन दौर से गुजर रहा है। वजीर आजम इमरान खान की कौम और उम्मत मुस्लिमा को शब बरात की मुबारकबाद। वजीर आजम इमरान खान ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अल्लाह पाक हम पर रहम फरमाए और हमें अमन और खुशहाली से नवाजें। शाह महमूद कुरैशी ने सिंध में गवर्नर राज की मुखालफत कर दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुखालफत करते हुए कहा कि आज नब्बे की सियासत को दोहराया जा रहा है। सिंध हाउस में जो हो रहा है वो मिसाक जमहूरियत के मुनाफी है। हिंदू बिरादरी ने मजहबी त्यौहार होली भरपूर अंदाज में मनाया। मंदिरों में होली की तकरीबात का इनेकाद किया गया। ये सर्दियों के मौसम के खात्मे और बहार की आगाज़ का त्यौहार है। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. अब अगला मैसेज आपके कार और होम इंश्योरेंस में भारी बचत का। क्या आपके घर या कार के इंश्योरेंस का रिन्यूअल ड्यू है और आपको तलाश है सही कवरेज के साथ साथ अच्छे रेट्स की, तो आज ही कॉल करें ऑल स्टेट के रवि को और पाएं रेट्स में बचत और बेहतरीन सर्विसेज। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू में सर्विसेज देते हैं। कॉल रवि टुडे 6474929236 6474929236। यू आर इन गुड हैंड्स With Allstate. वजीर आजम इमरान खान ने मुनरिफ अरकान को जमीर फरोश करार देते हुए कहा है कि अच्छा हुआ जमीर फरोश बेनकाब हो गए। अपोजिशन की चाल के बावजूद अदम एतमाद नाकाम होगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुनहरिफ अरकान को ज़मीर फरोश करार देते हुए कहा है कि अच्छा हुआ ज़मीर फरोश बेनकाब हो गए। अपोजिशन की चाल के बावजूद अदम एतमाद नाकाम होगी। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास हुआ, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत अदम एतमाद पर कानूनी और सियासी मशावरत की गई। ज़राए का कहना है कि शेख रशीद की सिंध में गवर्नर राज की तजवीज़ पर वज़ीर आज़म ने मुस्बत रद्द अमल दिया, जबकि खुसरो बख्तियार गवर्नर राज की मुखालफत की। बाज़ हुकूमती रहनुमा भी सिंध में गवर्नर राज लगाने के हक में थे। अरकान ने कहा कि सिंध हुकूमत के लोग शीशे के घर में बैठकर पत्थर बरसा रहे हैं, सिंध हुकूमत को फौरी जवाब देना चाहिए। तर्जुमानों ने वजीर आजम इमरान खान से नंबर गेम पर मुख्तलिफ सवालात किए तो वजीर आजम ने कहा कि तसल्ली रखें, जीत हमारी होगी। किसी तौर पर भी अपने नज़रिए से पीछे नहीं हटूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए NRO नहीं दिया जाएगा। साबिक वज़ीरे आज़म यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने मुश्तरका बयान में सेक्रेटरी दाखला, पुलिस और इस्लामाबाद इंतजामिया के हुक्काम को खबरदार करते हुए कहा कि सिंध हाउस में पुलिस गर्दी की गई तो नतायज के जिम्मेदार इमरान खान और वजीर दाखला होंगे। सेक्रेटरी दाखला, पुलिस और इंतजामिया के हुक्काम को खबरदार करते हैं कि किसी सियासी अमल का हिस्सा ना बने।
दूसरी जानिब तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए वजीर आजम इमरान खान के मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर ऐवान ने कानूनी पोजीशन वासे कर दी। बाबर ऐवान ने कहा कि दूसरी पार्टी में शमूलियत से पहले रुकन को इस्तीफा देना होगा, पार्लिमानी पार्टी कोई हिदायत दे तो रुकन तामीर का पाबंद होगा। मुशीर पार्लिमानी उमूर ने कहा, हमारा फैसला है कि पार्टी का कोई रुकन असेंबली में नहीं जाएगा, पार्टी के फैसले के बाद बहस खत्म हो जाती है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि इस मुल्क में एक ही लीडर है, वो इमरान खान है। शेख रशीद हर वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है। अगर आज जमहूरियत को धचका लगा तो 10 साल तक पछताएंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की वजारत दाखिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि सिंध में गवर्नर राज लगाने की समरी वजीर आजम को पेश कर दी है, अभी फैसला नहीं हुआ। इस मुल्क में एक ही लीडर है, वो इमरान खान है। शेख रशीद हर वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है। जो लोग पैसों के लिए जा चुके हैं उन्हें भी कहता हूँ कि जो बिकने और बकने वाले वापस आ जाओ। वजीर दाखिला का कहना है कि हमें सिंध हाउस में कुछ करने की क्या ज़रूरत है, हमें पहले से पता था कि सिंध हाउस में क्या हो रहा है। आसिफ जरदारी ने अपने अराकीन को वोटिंग के दिन हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की है। वजीर आजम ने भी अपने अराकीन को वोटिंग के दिन हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की है। हम पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ हैं। 21 से 24 तक छुट्टी होगी, 23 मार्च को परेड होगी। पीटीआई के लोगों को कहता हूं अपने इलाकों को देखें और वो वापस आ जाएं। वोटिंग किस वक्त होगी इसका फैसला स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर करेंगे। डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि दोनों जमातों के जलसे के लिए अलग अलग मुकाम का तायुन कर लें। तसादुम की तरफ मामला नहीं जाना चाहिए, हालात सियासी तसादुम के मतकाजी नहीं है। 480 नहीं बल्कि 500 लोग सिंध हाउस लेकर आए। ओपोजिशन बेवकूफ़ है, हमें इत्तला थी बंदे कहाँ हैं। ज़मीर फरोश लोग वापस आ जाएं, क्यों आप लोग जमहूरियत को छांगा मांगा बना रहे हैं। शेख रशीद ने कहा कि ये लोग नेशनल गवर्नमेंट और टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बातें कर रहे हैं, अगर बना सकते हो तो बना कर दिखाओ, इमरान खान तुम्हारा जीना हराम कर देगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर कौम और उम्मत मुस्लिमा को शब बरात की मुबारकबाद दी है। दुनिया भर में मुसलमान आज रात शब बरात अकीदत और एहतराम से मनाएंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर कौम और उम्मत मुस्लिमा को शब बरात की मुबारकबाद दी और कहा, अल्लाह पाक कौम और उम्मत पर रहम फरमाए और हमें अमन व खुशहाली से नवाजें। ख्याल रहे दुनिया भर में मुसलमान आज रात शब बरात अकीदत व एहतराम से मनाएंगे। रहमतों फजीलतों और बरकतों वाली शब बरात के मौके पर इबादत और दुआएं की जाएंगी। माह शाबान की 15वीं रात को आम तौर पर शब बरात यानी बरी होने की रात कहा जाता है। इस रात मुसलमान तौबा करके गुनाहों से कतई ताल्लुक करते हैं और जहन्नम से निजात पाते हैं। इस रात को मगफिरत की रात और रहमत की रात भी कहा जाता है। अहदीस की रोशनी में बिला शुबा माह शाबान बहुत सी फजीलतों का हामिल है। रमजान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा रोजे इसी माह में रखते थे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अहम बयान में कहा है कि हर मिंबर वावकार लोगों का चुना हुआ है और वो ज़मीर के मुताबिक फैसले का पाबंद है। फैसले से पहले तवक्कात को जहन में रखना होगा जो आवाम ने वाबस्ता की हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सिंध में गवर्नर राज की मुखालफत करते हुए कहा कि सिंध हाउस में जो हो रहा है वो मीसा के जमहूरियत के मनाफी है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि आज 90 की सियासत को हराया जा रहा है, इसी तर्ज सियासत के खिलाफ मिसाक जमहूरियत लाया गया था। मिसाक जमहूरियत में कुछ उसूल तय किए गए थे। उन्होंने कहा कि सिंध हाउस में जो हो रहा है वो मिसाक जमहूरियत के मनाफी है। पार्लियामेंट के मुहाफिजों के हाथों पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचे तो यही कहा जाएगा, घर को आग लग गई घर के चिराग से। वजीर खारजा का कहना था कि सिंध में गवर्नर राज की तजवीज़ के हक में नहीं हूँ। आज वजीर आजम की जेर सदारत पॉलिटिकल कमेटी का इजलास है, मैं माजी के तजुर्बात की रोशनी में नुक्ता नज़र पेश करूंगा। OIC इजलास के हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने कहा, 22-23 मार्च को OIC से वज़राए खारजा कौंसिल के इजलास की मेज़बानी बड़ा एजाज है और इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुतफिक का करारदाद की मंजूरी दूसरी कामयाबी है। करारदाद हमने अक़वामे मुत्तहिदा भिजवाई जो अल्हम्दुलिल्लाह जनरल असेंबली से मंजूर हो चुकी। उनका कहना था
کہ اب او آئی سی ممالک کے وزرائے خارجہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، جبکہ میزائل کے معاملے پر بھارت نے تاحال مبینہ حادثاتی میزائل فائر کا تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ افغانستان اور یوکرین کی صورتحال سے متعلق وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال سب کے سامنے ہے، یوکرین کشیدگی کے باعث آئل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ان حالات میں غیر یقینی صورتحال پیدا کرنا جمہوریت کے مفاد میں نہیں۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی ہندو برادری نے اپنا مذہبی تہوار ہولی بھرپور انداز میں منایا۔ ہندو برادری نے گھروں اور مندروں کو خوبصورتی سے سجایا، گھروں کے باہر رنگولیاں بھی بنائی گئی ہیں، اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی ہندو برادری نے اپنا مذہبی تہوار ہولی بھرپور انداز میں منایا، اس حوالے سے مندروں میں ہولی کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ ہندو برادری کے مختلف علاقوں میں گھروں اور مندروں کو خوبصورتی سے سجایا گیا، گھروں کے باہر رنگولیاں بنائی گئی ہیں، تقریبات کئی روز تک جاری رہیں گی، خصوصی پرساد بھی تقسیم کی جائے گی۔ یہ سردیوں کے موسم کے خاتمے اور بہار کی آغاز کا تہوار ہے۔ اس موقع پر ایک لڑکی پریا کا کہنا تھا، سب سے پہلے ہولی ہم لوگ مل جل کے مناتے ہیں، کافی سارے رشتہ دار آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے، مٹھائیاں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں، کلرز لگاتے ہیں، ہولی جو ہے خوشیوں کا تہوار ہے۔ ہولی میں شریک پرکاش کا کہنا تھا، پورے پریوار کے لیے، پورے اپنے دیش کے لیے، پورے سنسار کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دعا ہماری ہوتی ہے امن کی، شانتی کی، پیار کی، محبت کی، اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس چیز کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔ شاہان ٹیک ٹی وی پاکستان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک قوم کا پیسہ نہیں واپس کریں گے۔ ایمن منظور ٹیک ٹی وی پاکستان، اپنے ہاتھ میں رائے میں آپ کو سسپینڈ کر دو۔ فاروق صدیقی ٹیک ٹی وی پاکستان، احتشام رانا ٹیک ٹی وی پاکستان، وزیر اعظم متعلق کیا گیا، لے کے آئیں گے تحریک عدم اعتماد۔ مریم صاحبہ کہتی ہے میرے پاس ٹیپیں ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ ذہنی طور پہ بالکل مفلوج ہو چکے ہیں۔ بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ امجد بلوچ ٹیک ٹی وی پاکستان، کوکب فاروقی ٹیک ٹی وی پاکستان۔